एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। कुछ घंटे पहले मैंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पर कि सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट 2 फरवरी को रिलीज हो रही है। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे नीट एस्पिरेंट्स कमेंट किए जा रहे हैं कि दी नीट की अपडेट क्या कहती है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि एक छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को एक क्विक अपडेट देने के लिए। कोशिश करूंगी वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन की ना हो। तो नीट 2021 लेटेस्ट अपडेट ये कहती है कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिसेंट रिपोर्ट बता रही है कि 25 जनवरी को जो HRD मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसका फाइनल डिसीजन अभी तक इसीलिए नहीं आया है क्योंकि उस मीटिंग के दौरान क्या हुआ था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने प्रपोजल रखा था कि नीट 2021 साल में 2 बार कराया जाए, इस साल यानी कि 2 बार कराया जाए, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री इस प्रपोजल के फेवर में नहीं है। वही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया है कि अपने डिसीजन को रिकंसिडर करा जाए, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि नीट 2021 साल में 2 बार नहीं होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए, देखिए क्या प्रोज एंड कॉन्स है अगर इस साल नीट का पेपर 2 बार होता है, क्या एडवांटेजेस होंगे क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो इसीलिए 25 जनवरी का कोई फाइनल डिसीजन निकल के नहीं आया है। अब हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री रिकंसिडर करेगी, वापस से सोचेगी कि इस साल सच में नीट 2021 का पेपर 2 बार कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो यही अपडेट है। बाकी नीट के फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुए हैं, उससे रिलेटेड भी कोई भी न्यूज नहीं आई है। कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको चैनल पर बता दूंगी। साथ ही काफी ज्यादा बच्चे हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम के मैसेजेस के थ्रू मुझे पता चलता है कि बच्चे कह रहे हैं कि दी नीट का पेपर अगर 2 बार होगा तो ऐसा करेंगे, पहले वाला पेपर तो जून तक ही हो पाएगा तो जून में ना आधा सिलेबस पढ़ के जा लूंगा, उसमें देखूंगा कि कितनी अच्छे से प्रेपरेशन हुई है, और जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा नीट का इस साल का उसमें अच्छे से प्रेपरेशन करूंगा। इस वीडियो को मैं इसलिए भी अपलोड कर रही हूं कि अभी से ये फॉल्स होप मत पालो कि नीट का पेपर 2 बार होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा। नहीं, ऑलरेडी आपके पास एक एडवांटेज है कि नीट का पेपर मोस्ट प्रोबेबली मई में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, होगा तो जून एंड या फिर जुलाई में ही होगा, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम ही आपके जून में खत्म होंगे तो उससे पहले तो नीट का पेपर होने के कोई चांसेस नहीं है। तो एक एडवांटेज तो आप ऑलरेडी लेकर चल रहे हो कि नीट पोस्टपोन हो रहा है, अब आपको सेकेंड एडवांटेज जिसकी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई भी नहीं है कि नीट 2 बार होगा, वो एडवांटेज भी लेना है। अभी बस ये सोचो कि नीट का पेपर 1 बार ही होगा और 1 बार पेपर देने लायक ही मेहनत करो। ठीक है, बाकी हेल्थ मिनिस्ट्री रिकंसिडर करने के बाद क्या डिसीजन लेती है वो न्यूज भी मैं आपको चैनल पर बता दूंगी। तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बस न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू इतना ही पता चल रहा है कि 25 जनवरी का डिसीजन अभी तक इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि 25 जनवरी को कोई फाइनल डिसीजन लिया ही नहीं गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई नीट का पेपर 2 बार कराया जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा हम इसके फेवर में नहीं है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि अपने डिसीजन को रिकंसिडर करो। रिकंसिडर कब होगा, कब ऑफिशियल अपडेट आएगी, कुछ भी नहीं पता है, तो इसीलिए तैयारी करते रहो। मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो इसीलिए अभी अपलोड नहीं कर रही हूं चैनल पर क्योंकि जब तक डेट्स रिलीज नहीं होती है तब तक कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करें हम लोग, है ना। तो कायदे से ये लेकर चलिए कि अपडेट्स के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, प्रेपरेशन करते रहनी। मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट भी डेली अपलोड कर रही हूं जहां पर हर दिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं बायोलॉजी का, नीट सिलेबस का। तो उस कम्युनिटी पोस्ट के पोल में भी जरूर आप पार्टिसिपेट करिए, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको उस कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन को रीड करने में और आंसर को मार्क करने में। तो नीट प्रेपरेशन से रिलेटेड मैं हर दिन जो कम्युनिटी पोस्ट अपलोड कर रही हूं उस पोल में पार्टिसिपेट भी करते रहना। ठीक है, तो अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बस ये है कि हां हेल्थ मिनिस्ट्री फेवर में नहीं है नीट को 2 बार कंडक्ट कराने में। तो अभी से फॉल्स होप मत पालना कि नीट 2 बार होगा और दूसरा वाले अटेम्प्ट में ज्यादा मेहनत करूंगा, पहले मैं नहीं करूंगा। मेहनत ऐसी करनी है कि पहले अटेम्प्ट में ही नीट का पेपर क्रैक हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।